जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल कोर्स फॉर फोर्स पे और मैं हूँ ऋषभ। तो ये लेक्चर नंबर 2 है, ट्रिगोनोमेट्री हमने स्टार्ट कर दी है। और जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा हो किस तरह से हमने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था और आगे हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल आइकन नहीं दबाया है तो जरूर दबा लेना, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट एग्जाम से पहले आपको मिलने वाले हैं। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना कंपलसरी है सभी के लिए, क्योंकि टेलीग्राम में बहुत सारे क्वेश्चंस और कम्युनिटी टैब में बहुत सारे क्वेश्चन देते हैं जिससे आप एग्जाम में बेहतर कर सकते हो। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बार बार नहीं बोलूंगा। और हाँ, कम से कम 100-200 लोग देखोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि व्यूज जा नहीं रही है और इसी कारण मैं बार बार बीच में वीडियो को क्विट कर देता हूँ। तो कम से कम आप लोगों को इस बार सपोर्ट दिखाना जरूरी है। अगर हम रेगुलरली इस बारिश में भी आकर अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाहर बारिश हो रही है, तो आपका भी कम से कम दायित्व तो बनता है कि थोड़ा सा वीडियो को शेयर करें, फैलाएं वीडियो को, ताकि बहुत सारे लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और हमें भी इससे मोटिवेशन मिले कि चलो कम से कम हमारी जो एफर्ट है उसको कोई ना कोई अप्रिशिएट कर रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बात करने वाले हैं हम, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन राइट एंगल ट्रायंगल के हम बारे में बात करेंगे और इसका क्या क्या कॉन्सेप्ट है आप समझते चलना, और बिल्कुल कहानी की तरह समझते चलना। और जब क्वेश्चन मैं कराऊंगा सिर्फ उतना कर लेते हो तो आपका एक काम बन जाएगा, ठीक है, लेकिन थ्योरी को समझते चलना। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं हम। अगर अगर ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर बी 90 डिग्री है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इतना तो जानते हो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो मैं ही कहना चाहता हूं कि पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, वो जिसका नाम क्या है, रेशियो आइडेंटिटी। अब रेशियो आइडेंटिटी क्या है, तो देखो रेशियो आइडेंटिटी इसमें ही है कि साइड का रेशियो पढ़ना है। और अब जानते हो कि ट्रिगोनोमेट्री अब यहां से स्टार्टअप होने वाला है। तो देखो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कितने टाइप्स के होते हैं वो मैं पहले बता दूं। एक होता है साइन, इस शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं साइन, उसके बाद कोसाइन, कोसाइन के बाद आप क्या लिख सकते हो टेंजेंट, टेंजेंट को शॉर्ट में क्या लिखते हो टेन, इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है कोटेंजेंट, इसे कॉट बोलते हैं, उस तरह से सेकेंड सेक बोलते हैं। और इसी का अगर हम क्या बोलो कंपाउंड में, यानी कि 90 माइनस सेक क्या होता है कोसेक होता है, तो क्या हम बोल सकते हैं कोसेकेंड। कोसेकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का। ये शॉर्ट में अगर मैं आऊं, क्योंकि बार बार इतने बड़े बड़े वर्ड लिखना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए मैथमेटिशियन ने क्या किया साइन को क्या कर दिया साइन ही रहने दिया, ये साइन ही बदला, इसको कॉस में बदल दिया गया, इसे टेन में, इसे कॉट में, ये आप जानते हो कि सेक, और फाइनली कोसेक में बदला गया। अब देखो इन सभी जो 6 आइडेंटिटीज हैं इनका कोई मतलब नहीं है तब तक अगर इनके साथ कुछ भी एक एंगल ना जुड़ा रहे। सीधे मैं बोलता हूं टेन, टेन क्या है, तो कुछ नहीं है टेन, टेन का मतलब कुछ नहीं है जब तक हम टेन थीटा ना बोलें। तो टेन तभी डिफाइंड है जब वह थीटा उसने कहीं ना कहीं हो, ठीक है, इतना समझ गए। अगर आप इतना समझ गए हो तो ऐसे किसी कुछ समझने वाली बात ही नहीं। तो बिल्कुल से मैं कुछ कुछ फॉर्मूले लिखवाऊंगा, आपको याद करते चलना है और ज्यादा इस पर लोड नहीं देना है कि फॉर्मूला कैसे है, प्रूफ करने की यहां पे जरूरत नहीं है। देखो पहला क्या आता है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ए के लिए अगर मैं बात करूं तो बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, बीसी क्या हो गया परपेंडिकुलर, इसे ऐसे डिनोट करते हर जगह मैं ही यूज करूंगा, या बीसी हो गया परपेंडिकुलर। इस ए के लिए क्या, ए बी क्या हो गया, ये बेस हो गया, इसे हम बी से डिनोट करेंगे हर जगह। और एसी क्या हो गया, एसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस, इसे हम एस से डिनोट करेंगे, ठीक है। टी बी और एच में इस तरह से आ गया, पी बी और एच में। तो पहला क्या होगा यहां पे आप याद करते चलना, समझते चलना, साइन
ए के लिए हम बात कर रहे हैं तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, अगर रेशियो में साइड का रेशियो लेना है तो पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो, तो पी अपॉन एच इस तरह से आप लिख सकते हो पी अपॉन एच। उसी तरह से इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल समझते हो वन अपॉन समथिंग, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक होता है, तो कॉसेक ए इसी का उल्टा हो जाएगा एच ऊपर पी नीचे एच अपॉन पी। उस तरह से बी में आते हैं मतलब कॉस की बात करते हैं, कॉस ए इक्वल टू क्या होगा तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, सेक ए सेक क्या हो जाएगा एच, देखो ये ऊपर आ जाएगा या नीचे आ जाएगा तो एच अपॉन बी। और लास्ट और फाइनली क्या हो जाएगा टैन, टैन इक्वल टू क्या हो जाएगा पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो, तो पी अपॉन बी इसी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा कॉट, कॉट ए तो कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बी अपॉन पी, ठीक है ना बी अपॉन पी। ऑलराइट ठीक है, इसको आप याद कर लो ना कर लो फर्क नहीं पड़ता, मैं तो उम्मीद करके चल रहा हूं कि आपको याद होना चाहिए। अगर मैं इसे बोलूं कि इसे ट्रिक से याद कर लो तो मैं नहीं समझता कि हर क्वेश्चन को ट्रिक से याद करने को हर फॉर्मूला को ट्रिक से, क्योंकि फॉर्मूला आपको इतना यूज टू होना चाहिए कि ट्रिक का जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए ना इसमें। फिर भी मैं बताता हूँ कि जिन्हें याद नहीं है ना, जिन्हें याद नहीं है, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि 100 बच्चे देखें 100 में 100 पता होना चाहिए। फिर भी मैं पहले ही बोला हूँ 45 प्लस का टारगेट है उनके लिए जाओ कॉमर्स या आर्ट्स से आए हुए। तो साइन कॉस टैन इसे देखना है, ट्रिक वाले के लिए मैं बात कर रहा हूं। ऊपर देखो क्या है, हंसना नहीं समझना, पंडित पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, इस तरह से याद रख सकते हो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल और इसका उल्टा करते चलना है तो आप इस तरह समझ सकते हो। लेकिन मैं फिर से ये बोलूंगा कि ट्रिक का क्या जरूरत पड़ेगा, इतना हमें रिवीजन करें इसका, इतना रिवीजन करें कि ट्रिक का हर जगह, जैसे कि आप एबीसीडी याद करते हो वन टू याद किए हो बचपन में तो क्या उसमें ट्रिक की आवश्यकता पड़े कि ए के बाद बी क्यों आता है, नहीं पड़ी ना, तो यूज टू इतना हो जाओगे कि जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ये क्या था, इसी को बोलते हैं रेशियो आइडेंटिटीज, या टॉपिक यहीं पर समाप्त हो गया। क्वेश्चन आज आपको रात के 9 बजे, ये वीडियो शाम को भी 6 बजे आपको मिल रही है ना, रात को 9 बजे आपको क्वेश्चन वाली वीडियो मिल जाएंगे। क्वेश्चन मैं यहाँ पर नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर थ्योरी वाले क्वेश्चन पोर्शन कवर करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए आप रात 9 बजे वाला वीडियो जरूर आप देखिए, रात को 9 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है रेशियो आइडेंटिटी खत्म ही हो गया, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। अब मैंने रेसिप्रोकल आपको समझा दिया है, ए का रेसिप्रोकल क्या होगा वन अपॉन ए, ए का रेसिप्रोकल क्या होगा वन अपॉन ए। तो उसी तरह से अगला जो हमारा टॉपिक है, आप देखो यहां ध्यान से, अगला हमारा टॉपिक क्या है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, अगला हमारा टॉपिक है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। तो फिर से समझते चलना, कुछ बड़ी बात है नहीं, साइन साइन ए, साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होगा वन अपॉन कोसेक ए, बी कॉस ए इसका रेसिप्रोकल क्या होता है वन अपॉन सेक ए, और फाइनली टेन ए का रेसिप्रोकल क्या होगा वन अपॉन कॉट ए। समझ रहे हो, समझते चलना। ऑलराइट आगे बढ़ेंगे तो देखो इसी फॉर्मूला आप जनरेट कर सकते हैं, जो बोलो मैं ये फॉर्मूला तो मानता नहीं, तो कोई इसको यहां पे भेजोगे मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू वन, तो बिल्कुल वही है कि साइन ए, अगर कहीं भी साइन ए इंटू कॉसेक ए रहे तो वन होता है, यहां से क्या निकलेगा कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू वन होता है, और फाइनली टेन ए इंटू कॉट ए क्या होगा वन होगा। तो इतना इसे समझ लेना, राइट, ये इसी क्या बोलते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, कुछ बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल कहानी है, समझते चलना फिर बोलूंगा, राइट। और दूसरी बात कि आपको अगर पीडीएफ चाहिए नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, मैं बता देता हूं टेलीग्राम, टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, आप इस तरह से जाकर वहां सर्च करना कोर्स फॉर फोर्स, इस तरह से लिखोगे मिल जाएगा, और नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो वहां पे आप ज्वाइन करोगे तो आपको क्वेश्चंस
और बेल आइकन अगर यूट्यूब पर दबाया हो तो वहां पे आपको वहां पे कम्युनिटी टैब का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप, आज मैं सवेरे एक क्वेश्चन डाला था वहां पे, फिजिक्स की क्वेश्चन थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखने को मिलती है, तो आप कम्युनिटी टैब पर जाकर उसका आंसर करना ना भूलें, वहां पे क्वेश्चन आपको मिलेगा, तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन दबाओगे तब, ठीक है राइट। अगला हमारा टॉपिक क्या है, थर्ड टॉपिक हमारे पास है, बहुत ही सिंपल है हमारे पास, कोसेंट आइडेंटिटीज। अब कोसेंट आइडेंटिटीज क्या है समझ लो इसे, कोसेंट आइडेंटिटीज क्या है, कोसेंट आइडेंटिटीज इसमें पहला पॉइंट यही होगा, दो फॉर्मूले इसमें है, टैन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, थीटा से कंफ्यूज मत होना, ए लिखना मैं भूल गया, ए ही लिखना चाहिए था क्योंकि हर जगह मैं ए लिख रहा हूं, फिर भी समझ लो, टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि टैन और कॉट आपस में रेसिप्रोकल है, तो ये भी तो आपस में रेसिप्रोकल होगा, तो ठीक है, इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। इसे हम और किस तरह से लिख सकते हैं, देखो इसे मैं नीचे, इसे मैं ऊपर भेजना चाहूं तो भेज सकता हूं क्या, जरूर भेज सकता हूं, कॉस थीटा वन अपॉन कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, जैसे वन अपॉन कॉस थीटा की जगह पे सेक थीटा, और इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं नीचे में कॉस सेक थीटा, तो टैन थीटा इक्वल टू यही फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला होता है, यहां समझ लो क्या हो जाएगा कॉस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा, तो आप कोसेंट आइडेंटिटीज में इतना समझ लेना, ठीक है, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज। अभी तक हमें तीन आइडेंटिटीज पढ़ लिया है शुरू से, रेशियो आइडेंटिटीज, उसके बाद आपने पढ़ा कोसेंट, तो अभी मैंने जस्ट पढ़ाया है, उससे पहले मैंने क्या पढ़ाया आपको, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज पढ़ाया, और लास्ट अभी पढ़ाने वाला हूं क्या, फंडामेंटल आइडेंटिटीज। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन, बिलीव मी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पोर्शन से देखने को मिलेगा, ये बात आप नोट कर सकते हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से, राइट एंगल वाइट ट्रायंगल टॉपिक से मिले तो आपको कहां से मिलेगा, वो फंडामेंटल आइडेंटिटी से। तो इसे बहुत ध्यान समझना। हमारा चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट ये है हमारा फंडामेंटल फंडामेंटल आइडेंटिटीज, राइट। तो हम क्या देखेंगे इस टॉपिक में कि आपने टेंथ में ये पढ़ के आया, तीन फॉर्मूला इसमें देखने को मिलेंगे, काफी है तीन फॉर्मूला। पहला क्या है देख लो, मैं लिख ही देता हूं, पहला क्या है, बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। प्रूफ में मत जाना कि किस तरह से प्रूफ करते हैं, फाइनली प्रूफ एग्जाम में आएगा नहीं, और मेरा लक्ष्य क्या है हमारा यहाँ पे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करना है, तुक्का मारना है वो भी सही है, अगर सही होता है तो, वैसे तो गलत होता है तुक्का मारना, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि हमारा मकसद यही है कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सही करना कम टाइम में। दूसरा यहाँ पे आइडेंटिटीज क्या बोला गया फंडामेंटल में, फंडामेंटल आइडेंटिटीज लिखे आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो टॉपिक के अंदर ही रहे ना, तो आपको याद रखने में अच्छा होगा कि भाई कोसेंट आइडेंटिटीज में दो फॉर्मूले थे, टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, उसी तरह से रेसिप्रोकल में था, उसी तरह से सबसे पहला वाला जो रेशियो आइडेंटिटी बताई थी, अब पता होना चाहिए किस टॉपिक के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने सबको टॉपिक वाइज कैटेगराइज कर दिया है। दूसरा इसमें क्या आइडेंटिटीज है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और फाइनली थर्ड क्या है हमारे पास, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो बस यही तीन आइडेंटिटीज हैं, इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैं बोलता हूं कि इसे मैं बोलूं तो आप दो तीन स्क्वायर लगा के लिख सकते हो। फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको फॉर्मूला याद होंगे, क्वेश्चन इससे किस तरह से करेंगे आपको वो याद रखना है कि इस टाइप से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, इस टॉपिक के बेस्ट फंडामेंटल आइडेंटिटीज के बेस्ट किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया, मैं क्विक रिवीजन कराना चाहता हूं, और हाँ एक बात मैं भूल गया था लेक्चर के स्टार्ट में ही कहना चाहिए था मुझे कि देखो ये एंगल मैंने ये लिखा ना यहाँ पे, अगर एंगल को मेजर कैसे करते हैं मुझे पहले ही दिन बताना चाहिए था कि ये इनिशियल साइड था ना, इनिशियल साइड था
और ये टर्मिनल साइड, तो इसी के बीच का रोटेशन को क्या हम बोलते हैं एंगल। तो देखो हमारी घड़ी जो मूव करती है क्लॉक वाइज इस तरह से मूव करती है, लेकिन हमने क्या मेजर किया एंटी क्लॉक वाइज। तो एंटी, और ये मानता हूँ कि इसका वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री मैंने किस तरह से मेजर किया एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन हमें इसी तरह से मैं इसे मानता है, ये अगर रहता इनिशियल साइड, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड ऊपर ना होकर नीचे इस तरह से टर्मिनल साइड होता अगर, तो इस एंगल को हम अगर मानते थीटा 30 है तो 30 ना लिखे क्या लिखते हैं थीटा इक्वल टू माइनस 30 डिग्री। तो ये चीज आप याद रखना कि क्लॉक वाइज हमेशा नेगेटिव, एंटी क्लॉक वाइज हमेशा पॉजिटिव, एंटी क्लॉक वाइज हमेशा पॉजिटिव, क्लॉक वाइज हमेशा नेगेटिव मेजरमेंट ऑफ एंगल इस तरह से करते हैं। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आपको पता भी होगा लेकिन मैंने फिर भी बताना सही समझा। देखो यही थे आकर टेंथ वाला, देखो मैं कल क्या बोला था कि आपका सारा जो टॉपिक होगा टेंथ में जो आपने इतना पढ़ के आया था एक लेक्चर में खत्म होगा, हार्डली 15 मिनट में खत्म हो गया। देखो खत्म इसलिए हो गया क्योंकि क्वेश्चन कराना बाकी है, थ्योरी तो कुछ होता है नहीं। तो टेंथ वाला जो आपने इतना पढ़ के आया था टेंथ में फाइनली यहाँ पे समाप्त हो जाता है आके। अगला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है उससे बढ़ने से पहले कुछ मैं आपसे क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, एक दो क्वेश्चन देख लो। वैसे मैं क्वेश्चन रात के 9 बजे वाले क्लास में लेकर आऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, फ्री में एक दो क्वेश्चन कराता हूँ देख लो। अच्छा क्वेश्चन मैं अभी नहीं कराऊंगा, ठीक है, इसलिए नहीं क्योंकि हमारा अभी एक टॉपिक और बच चुका है, क्या है वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब देखो बहुत ही आसान ये टॉपिक है, क्या है वैल्यूज निकालना है आपको, ये तो सभी को पता होगा निकालना किस तरह से। मानता हूं साइन है पहले, जैसे साइन 30 का वैल्यू 45, जिस तरह से मैं उसी की बात कर रहा हूं, साइन के बाद कॉस थीटा टेन थीटा, फिर उसके बाद यहां पे हो जाएगा कॉट थीटा, और नीचे लिखता हूं मैं इसे कॉट थीटा सेक थीटा और फाइनली कॉसेक थीटा, ठीक है समझ रहे हो ना, राइट। अब देखो ये निकालना सभी को आना चाहिए, मैं तो कहता हूं निकालना नहीं याद सभी को होना चाहिए, लेकिन देखो इसका सब बोलते हैं ट्रिक है, मैं ट्रिक नहीं, ट्रिक क्या बोलेंगे 0 1 2 3 4 लिख लो, फिर से इस तरह से बोलेंगे 0 1 2 3 4 लिख लो, फिर से सबको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो और सब में रूट ले लो यार, ठीक है कोई इससे बुरी बात नहीं है, राइट। ये तो मेथड है, मैं मानता हूं कि सही मेथड है, इससे निकल सकता है, लेकिन मैं फिर से बोलूंगा कि ABCD जब आपने याद किया ना, आपने 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग याद किया तो आपको ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ट्रिक कहाँ अप्लाई करेंगे, जहां पे कॉन्सेप्ट टफ बनेगा वहीं पे ट्रिक का रियल फीलिंग मालूम चलेगा, इसमें ट्रिक लगाना कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी लगा दे पता होना चाहिए। देखो पहले यहाँ पे मैं 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45 60 90, देखो अभी तक तो आप 90 तक याद कर लो, 90 तक। इसके अलावा जितने भी वैल्यूज होते हैं आपसे अगर मैं पूछूं कि 900 का भी साइन 900 का वैल्यूज क्या होता है वो भी निकाल सकते हो, मैं सिखलाऊंगा। 1080 का वैल्यू क्या होता है, -1080 10 में रहे तो क्या निकलता है, सब निकालना सीखेंगे, लेकिन कम से कम पहले आप 90 तक याद रखा करो, ठीक है। देखो जीरो फिर से उसी हम ट्रिक से नहीं जाएंगे, ठीक है याद होना चाहिए। साइन जीरो क्या होता है, साइन जीरो जीरो √2 √3/2 वैल्यू होता है इसका, 90 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। कॉस 0 होता है 1, 30 हो जाता है √3/2, 45 दोनों आपस में इक्वल होता है साइन और कॉस, 60 यहाँ पे होता है 1/2 और फाइनली 90 पे आगे 0, ठीक है। इससे मालूम चला कि साइन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है और कॉस जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है, बाद में फंक्शन में पढ़ो, क्योंकि देखो इंक्रीज कर रहा है, जीरो से बढ़ के यहाँ पे 1 पे आया, ये 1 से घट के 0 पे आया, तो कॉस हमेशा क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन है, कहां से कहां तक 0 से लेके 90 के बीच में। टेन 0 क्या हो जाएगा, 0 फिर से टेन 0 0 ही होगा, 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 45 के होता है 1, 60 पे क्या हो जाता है √3 और टेन 90 बेसिकली क्या होता है, बहुत ही कंफ्यूजन है, कई जगह बुक में आपको 1/0 लिखा गया रहेगा, कहीं पे इन्फिनिटी लिखा गया रहेगा और कहीं पे नॉट डिफाइन लिखा गया रहेगा, ठीक है नॉट डिफाइन,
देखो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, 1090 बेसिकली है क्या, तो मैं बता दूं कि 1090 जीरो नहीं, इन्फिनिटी नहीं होता है, ठीक है। 1090 बेसिकली अकॉर्डिंग टू आपके यूज के अनुसार से आप यूज कर सकते हो, लेकिन आप क्या याद करो, 1090 इक्वल टू आप 1/0 याद रखो, ठीक है। इसी को इन्फिनिटी क्यों बोला जाता है, हम एक लेसन में 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, मैं इस पर एक ले लूंगा क्लास, ठीक है, बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फिर भी आप इस तरह से याद रखना। अब बोले इस तरह से क्यों, क्योंकि आपने बताया ना कि साइन 1090 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 90/cos 90, साइन 90 1 होता है, cos 90 0 होता है, तो 1/0 ऐसे भी यहां सेटिस्फाई हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, जीरो क्या होता है, जीरो किसी उल्टा हो जाएगा उसका, यहाँ पे आप 1/0 लिख सकते हो, 30 में √3, 45 में 1, 60 में यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√3, और 90 फाइनली आके जीरो हो जाएगा। sec क्या होता है, sec cos का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 हो जाएगा, 30 पे क्या हो जाएगा 2/√3, 45 पे क्या हो जाएगा √2, 60 पे हो जाएगा 2, और फाइनली 90 पे क्या हो जाएगा 1/0 ये भी, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल 1/0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बस या cosec, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/0, 30 पे क्या हो जाएगा 2, 45 पे √2, 60 पे क्या हो जाएगा 2/√3, और फाइनली 90 पे क्या हो जाएगा 1। तो आपको ये टेबल याद रखना है, याद होना भी चाहिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके बुक में होगा, अगर आपने किसी भी पब्लिकेशन का बुक खरीदा होगा ना, तो उसमें यह टेबल जरूर दिया होगा। और मैं बोलता हूं यह टेबल जिसको याद नहीं होगा ना, वो कल से प्लीज अगली क्लास में मत आना, क्योंकि इसी का सारा यूज हम क्वेश्चन करेंगे। आपने 10th में याद किया, 11th में याद किया, आपने 12th पास कर लिया, NDA एयरफोर्स एग्जाम देने वाले हो, याद नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए याद इसे जरूर रखना, बार बार मैं इसलिए आपको एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि याद करके ही आना, इसे नहीं है तो कर कर लेना है, तो बहुत बढ़िया है, रिवाइज कर लेना या जो भी करना हो, और देखना धीरे धीरे लेवल कैसे आगे बढ़ेगा। अगर आपने याद कर लिया या नोट डाउन कर लिया, तो मैं इसे अवरअप करता हूं, समझ में आ रहा है ना, अगर इतना समझ में अगर अभी नहीं आ रहा, तो मैं समझता हूँ कि अभी ऐसी कोई टॉपिक या कॉन्सेप्ट आया कुछ नहीं है कि जो आपको समझने में ज्यादा परेशानी हो, बिल्कुल हम बेसिक यहाँ पे करा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 10th या उससे लोअर लेवल के क्लास को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन मुझे पता है कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, तो एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ वीडियो कम्प्लीट करने से पहले, वीडियो कम्प्लीट ही करूंगा मैं क्योंकि टाइम पूरा हो रहा है। आप देखो एक क्वेश्चन मैं फिर नोट से करा रहा हूँ क्या है, आप देखो क्वेश्चन है, साइन थीटा अपॉन, आप लोग भी सॉल्व करना है, ठीक है, 1+cos θ/sin θ, बहुत बढ़िया। ऑप्शन दूंगा मैं क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, पहला ऑप्शन है 2cosec θ, दूसरा ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन 2sec θ, और लाइक सी क्या है, -2sec θ, और डी क्या है 2tan θ, राइट। इसे सॉल्व करना है, आप वीडियो को पॉज, मैं 30 सेकंड का समय देता हूं, पॉज मत करो, आप देखो किस तरह से करोगे। देखो मैं ही बताता हूं, पहले दो मेथड है सॉल्व करने के, पहला क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे नीचे, तो क्या हो जाएगा, sin θ × 1+cos θ, राइट। यहां से क्या हो गया, sin²θ + यहां से क्या हो गया, 1+cos θ² अब देखो इसे आप ओपन करोगे sin²θ और इसका ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, sin²θ यहां पे है प्लस a+b का होल स्क्वायर से ओपन कर दो, 1+cos²θ और +2cos θ, और फाइनली नीचे क्या है, sin θ × 1+cos θ। देखो sin²θ और cos²θ 1 हो गया, 1 और यहां पे 1, तो 1+1 2 आया, तो 2+2cos θ, और नीचे क्या है, sin θ ×
वन प्लस कॉस थीटा, कोई दिक्कत, टू ऊपर से कॉमन ले लो आप, तो वन प्लस कॉस थीटा और नीचे से क्या है साइन थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा, टू अपॉन साइन थीटा, साइन ऊपर जाए क्या बन जाएगा टू कॉस थीटा, आंसर आ गया। लेकिन मैं फिर से बताऊं कि इस तरह से करना एक बेवकूफियत भरा हुआ फैसला हो सकता है एग्जाम में आपके लिए, और मैं तो यही बोलूंगा कि इस तरह से करना भी नहीं है, आपको जस्ट बताने के लिए कि इस तरह से आप किया जा सकता है, स्टेप टू देखो, और इसी से हर क्वेश्चन भी इसी तरह से करना है। पहला हम ट्राई इसी से करेंगे, ना हो तो उस पे आएंगे, ठीक है। स्टेप टू क्या हो जाएगा, देखो इस क्वेश्चन में आप क्या जूम कर सकते हो, मैं पिछले भी टेबल बनाया था उससे करना है। अगर मैं थीटा को 90 ले लूं, 90 लेने से क्या होगा, देखो कहीं भी 90 लेने से हमें यह नहीं आना चाहिए कि 1 अपॉन 0 आ जाना चाहिए, रूट के अंदर माइनस वन आना चाहिए, क्योंकि ये चीजें जो अनडिफाइंड है, तो इसलिए देखो यहाँ पे 90 मानने से क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो, यहाँ पे जीरो, 90 होता है वन, तो वन वन प्लस जीरो, क्योंकि कॉस 90 होता है जीरो प्लस वन प्लस जीरो, और साइन 90 क्या होता है वन, तो फाइनली क्या हुआ यहां से वन प्लस वन इक्वल टू टू आ रहा है। ऑप्शन में टू कहीं नहीं है, चेक करेंगे पहले ऑप्शन से, टू कॉसेक थीटा क्या मैंने माना है 90, तो यहां 90 डाल दोगे और कॉसेक 90 क्या होता है वन, तो टू इंटू वन क्या हो जाएगा टू, यहां से भी टू आ रहा है, यहां से भी टू आ रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन ही सही होगा। यहां पे चेक कर लो 90 डालने से ही क्या हो जाएगा, ये तो इसका यहां से वैल्यू टू नहीं आ पाया, क्योंकि मैं टू लाना है हर जगह से, ठीक है ना, यहाँ पे वन अपॉन जीरो अनडिफाइंड आ जाएगा, यहां से भी वही बात हो जाएगी, यहाँ पे 90 डालने से फिर से इसी तरह से अनडिफाइंड, तो फाइनली टू इक्वल टू इस ऑप्शन से आ रहा है, तो आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो। बोलोगे कि 90 क्यों माने, मुझे समझ में नहीं आया, मैं एग्जाम में रहूंगा तो मैं 30 ले लूंगा तो क्या होगा, तो बिल्कुल आप 30, 45, 60 किसी कहीं चेक कर सकते हो, बसरते है कि 60 लोगे तो यहाँ पे रूट बन जाएगा, क्योंकि साइन 60 क्या होता है रूट 3/2, तो रूट में थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ होता चले जाएगा और आप कम टाइम में ट्रिक लगाकर भी सॉल्व ना कर पाओगे, तो ट्रिक का मतलब है कम टाइम पे होना चाहिए, ज्यादा टाइम में नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में या टॉपिक आया होगा, क्वेश्चन भी आया होगा। तो देखो अब किस तरह से क्वेश्चन का यूज अब आ रहा है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूं, लास्ट क्वेश्चन है खुद से करना, और एक क्वेश्चन नंबर टू है, ये खुद से ट्रिक से आप लोग सॉल्व करना। ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह जेईई मेन का क्वेश्चन है, 2002 का है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इंडिया में भी इस टाइप का क्वेश्चन कितने बार देखा जा चुका है, सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है। क्या क्वेश्चन है, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, इसका वैल्यू पूछ रहा है सिंप्लीफाई करके। ऑप्शन दिया गया है देख लो, 2 + 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बी ऑप्शन दिया गया है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, सी ऑप्शन दिया गया है 1 + 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और डी ऑप्शन दिया गया है नन ऑफ देम। सो क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन यही है, साइन पावर 6 प्लस कॉस पावर 6, ऑप्शन एक बार मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है, आप कमेंट करना इसका आंसर क्या होगा, इंतजार रहेगा मुझे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करना, मैं दोबारा बोल रहा हूं, और कम से कम 4 लोगों के पास शेयर करो, मैं चाहता हूं कि कम से कम 50 लाइक इस वीडियो पे आए, और ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट होते होते हमारे चैनल पे कम से कम 5000 का एक परिवार बन जाए, तो आप पे सारा यहाँ पे जिम्मेवारी है कि आप कितना शेयर करते हो, अगर शेयर नहीं कर पाओगे तो हमें भी शायद इस क्लास को कंटिन्यू रखना मुश्किल पड़ जाएगा। पूरी कोशिश कर रहा हूँ 50-60 के ऊपर ही कि क्लास को कम से कम रोका ना जाए, ताकि बच्चों का हेल्प हो, ठीक है। आपसे इतना ही उम्मीद करता हूँ कि कम से कम शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ, कॉमेडी टाइप पे जो हम क्वेश्चन पोस्ट करते हैं उसका आप आंसर दो, ये क्वेश्चन मैंने दिया है इसका आप आंसर करिए, आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो, और फाइनली आप टेलीग्राम ज्वाइन करके नोट्स जो है वहां से आप ले लो, लेकिन नोट्स आपको कब मिलेगा, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक धमाकेदार सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।